महाराष्ट्र में जूनी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक वर्ग और 73 संगठन के समर्थक में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार जूनी पेंशन लागू करे, जिसको लेकर अकोला में आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय से मोर्चा निकाला है। मोर्चा अशोक वाटिका बस स्टैंड ओपन थिएटर से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। वही इस मोर्चे में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद आंदोलनकारियों ने सरकार से निवेदन किया कि उनकी मांग को जल्द से जल्द माना जाए और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है वे काम पर नहीं लौटेंगे, जिसकी वजह से आज जो सरकारी कार्यालय में काम पूरी तरह बंद है। शासन है कल तक उन्होंने हमारी जो मांग है, जो पुरानी पेंशन योजना है, ये हमारी सब कर्मचारियों की एक आत्मीयता की मांग है। और जो पुरानी पेंशन योजना जो है वो हमारे कर्मचारी को और हमारे कुटुंब को सुरक्षित करने वाली ये एक मांग है हमारी, और ये मांग हमें पूरी करनी है। हम सरकार से हर बार विनंती करते आए हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन की मांग है वो आप पूरी करें।